तो ये ऐसे करके ये होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? एक और बस मैं जा रहा हूँ। नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आज लेट हो गया हूँ, मुझे ऑफिस पहुँच के बहुत सारे इंडियन पोस्ट डालने जाने हैं। पंखा बंद, ब्लॉगिंग का दुश्मन। कोई नहीं आया? अरे यार मैं लॉक किया कि नहीं? कोई तो कह नहीं सकते। मैं भूल ही गया लॉक किया भी कि नहीं किया मैंने गाड़ी का। हो गई, मैंने बाहर से ही कर दी। कल रात को आना, हम बहुत सारा सामान लाए। देखा तूने? ये तो टेप लाए पहले, देखो हम टेप है। उसके बाद हम लाए एक और मशीन। हमारे पास एक बॉक्स रखा था जिसपे फॉर्च्यून लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर है 21 वॉल्यूम, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम्स है ना, इसमें इंग्लिश वाले होंगे ना? हाँ, इंग्लिश वाले क्या पूरे एक ही बॉक्स में आते हैं, और अगर इंडियन पोस्ट से भेजना है तो 10-10 किलो करके भेजना पड़ेगा आपको। तो इस वजह से फॉर्च्यून डिब्बे में आ रहा है, देख लेना। तो तूने वो फाड़ा क्या? बीस से फाड़ा था क्या? यहाँ से खोला। और अंकित कैसे हो? बढ़िया। बहुत दिनों सवाल नहीं पूछा था ये वाला। हम लोगों ने क्या किया कि ना, बहुत सारे ऐसे पैकिंग हो रही थी कल की, जिसकी वजह से सामान कल खरीद कर लाए थे हम, कल लाइट चली गई थी इसलिए वो दिखा नहीं पाए। आपको दिखाते हैं, जिन लोगों को भी और खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं ऐसी चीजें। कि भैया हमें वो करके दिखाओ जरा कैसे करते हैं ये। तो बोलता है लो वीडियो बना लो। उसने तो हमें दिखा दिया था, बट मुझे याद नहीं कि कैसे किया था उसने। बस एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ये टाइट करने के लिए है और वो एक और है। तो ये ऐसे करके ये होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? इसको ऐसे घुसाना है इसमें से। फिर इसको बोल रहा था कि ऐसे करके हाथ से टाइट कर लेना। फिर ये लगाना है आपको। यार मैं भूल ही गया कैसे लगाया था उसने। मैं भूल गया। खोलिए जरा यूट्यूब पे करो। हाँ काट दो। तो नया नया सीखा है हमने, तो हो सकता है कि 2-4 बार में आ जाएगा ठीक से। उठा के देखना जरा, उठा के देना, मजबूत है? ऐसे हिला के देखना जरा, देख पाँव मत पटक रहे, टांग टूट जाए। मजबूत है? मजबूत है। ए कट रहा है। चलो बढ़िया, एक नई चीज़ सीखी हमने। लेकिन ऐसी नहीं लगी, ऐसे करके दबाया करें। है तो ये नहीं, ऐसे ही है ना, ऐसी पकड़ के। हाँ ऐसी ही है वो। क्या ढंग से नहीं पकड़ पाया, चिमटी नहीं आई ढंग से। मैं दोबारा से चुम्मी ले लूँ। अब ये क्या है कि अपन को कट्टे से नहीं बांधना पड़ेगा, और उसके लिए हम ये लेकर आए हैं। और ये टोटल खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, मुश्किल से जो है मतलब 1000 रुपये में सारा सामान आ गया हमारा। बल्कि आप चाहोगे तो 500-600 तक भी आ जाएगा। टूट जाएगा? हाँ टूट जाएगा। और हम लोग बहुत सारी नई टी शर्ट लेके आने वाले हैं, जिनपे बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, और ये सारे ओरिजिनल डिज़ाइन है हमारे। तो जाकर हमारी वेबसाइट पे देखिए। आ जाएगा जब तक? क्या? जब तक डिज़ाइन आ जाएंगे? आ जाएंगे, आ जाएंगे। पक्का ना? पक्का आ जाएंगे। तो बोल दिया है मैंने, अब आ जानी चाहिए। आ जाएंगे। तो हमारे डिज़ाइन जो है जब तक हमारी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे। एक और बार ट्राई करके देख रहे हैं क्या ये हो पाएगा, ताकि ये इसमें आ जाए। और आखिरी में यहाँ पर जो है ना, एक छोटा सा ऐसे कर दो, ये अलग हो गया, बात खत्म। अभी अंकित बोल रहा था कि अब तो हम लोग एलिजिबल हो गए अमेज़ॉन में पैकिंग के लिए। तो अमेज़ॉन वालों को हम अपना रिज्यूम भेज देंगे। फाइल ले जाके अप्लाई करेंगे। रखो रखो।
किस तरह से पैकिंग की जाती है वो सब हम सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे। If you're right here next to me, something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Indian Post में तो आपके सारे box हमने रख दिए हैं, और कुछ दिनों में आपके घर तक आ जाएंगे। तो वैसे अब इंडियन पोस्ट वाले वो हमारा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने लग गए हैं, पहले थोड़ा कम कर रहे थे लेकिन अब बोल रहे हैं कोई टेंशन मत लो हम सारा काम कर देंगे आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन पोस्ट, थैंक यू। और अभी मुझे है ना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करना, उसकी डेडलाइन जो है बहुत नज़दीक आ गई, मतलब मुझे कल तक वो काम करना है। वो सीक्रेट इसलिए है क्योंकि अभी तक मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो काम होगा भी कि नहीं होगा, तो बाई चांस नहीं हुआ और मैंने बता दिया तो क्या होगा, पिघल गई थी कैसी हो गई। अभी जाते जाते जस्ट मैं अपना स्टॉक रूम चेक कर रहा था कि हमारे पास क्या क्या चीजें जो है खत्म होने वाली हैं, तो मुझे देखो क्या मिला, 2021 का लास्ट कैलेंडर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाला, जो बहुत शानदार, जिसकी भयंकर डिमांड है, बस डेली फोन आते हैं, एक पीस मिला है मुझे, जस्ट अभी ट्वीट कर रहा हूँ, देखते हैं ये किसको मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद 10,000 फॉलोअर्स के लिए, तो एक ट्वीट किया जाए, 2021 का आखिरी बाबा साहब अम्बेडकर का कैलेंडर गलती से मिल गया है, किसी को चाहिए क्या। आज का मौसम तो ठीक लग रहा है, मतलब कल जैसी बारिश और आंधी नहीं है आज। बस कहाँ है, क्यों गाड़ी का मैं तारा नहीं लॉक नहीं लगाया, बटन दबा के तो बोलती लॉक लगा लो, है बड़े कान खड़े रहते तेरे शाम को इंतजार रहता है मेरे को आपका। अरे वो बैटरी चेक करी, सही काम कर रही कि नहीं कर रही, मैं तो लेगी तब तो स्टार्ट हो गई थी यार, लाइक और ट्राई करूंगा, अगर काम कर रही है तो काई लेन बदलवाओ। बैटरी सही है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 दिक्कत है बैटरी, हाँ नहीं घूमने जाऊंगा, घूमने से दिमाग बढ़ता है और आर्टिकल और अच्छा लिखेगा लेकिन और कोई काम नहीं करूँगा, ध्यान रखना। तो तेरा क्या बोला तू खाना बनवाले चल आ रहा हूँ मैं। और गाड़ी की बैटरी वैसे तो सही है लेकिन बाई चांस गड़बड़ कर गई तो मुझे तो नहीं, कॉर्पस को बहुत दिक्कत आएगी, और कॉर्पस को दिक्कत आएगी तो वो मुझे दिक्कत देगी, इससे अच्छा तो मैं बदलवा ही दूँ, क्योंकि समय तो हो ही गया है। ग्वालियर में तो बस रोड क्रॉस करो और मुंडी घुमा लो भैया, मैं तो निकल रहा हूँ, तुम अपना देख लो, ये हिसाब किताब है। क्यों भैया इसकी बैटरी बदल जाएगी, कौन सी दोगे, पावर जोन अच्छी वाली दो, पावर जोन का नाम सुना नहीं मैंने कभी, तो फाइनली पावर जोन की नई बैटरी ली है, पता नहीं कैसी है, नाम मैंने पहली बार सुना हुआ है। बैटरी ले ली है मैंने और सनी के पास जा रहा हूँ, सनी ने कुछ तो भी नए नए आइटम रखने स्टार्ट किए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जरा टेस्ट किया जाए कैसे बना रहा है। और परी कैसी हो, खाने का मन कर रहा हो, आ गई भैया, सबसे पहले मैं आता हूँ, सबसे छुट के आती हूँ सीधे। वेवो कहाँ है, वेवो कहाँ है, ये देखो इनकी दुकानदारी चल रही है यहाँ पे, इतनी खतरनाक चल रही है कि नोट सूख रहे हैं 50 50 50 50। चल ठीक है, बाय बाय, कल तैयार रहना, याद है ना, भूल तो नहीं गया, राउंड टेबल टॉक थर्ड एपिसोड। देखो ये मेरे प्यारे से बच्चे हैं, और इनकी खासियत ये है कि मैं 2 साल पहले एक छोटी सी मशीन खरीद कर लाया था, 4 साल पहले, इसमें बर्फ लगाओ और देखिए बेचारे Yeah.
तो ये बेचारे ये छोटी सी बर्फ से ही खुश हो जाते हैं, इसमें शक्कर भी नहीं है। हम बेचारे नहीं हैं पापा, हम बहुत अकलमंद हैं। कल हमको राउंड टेबल टॉक का थर्ड एपिसोड शूट करना है, जिसका टॉपिक है पहले राजनीति करनी चाहिए या पहले आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए बहुजन व्यक्तियों को। और अभी मुझे करना है एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम, और जितना जल्दी हो सके वो काम निपटाना है, और अगर वो काम सक्सेसफुली होता है ना तो पूरी दुनिया को पता चलेगा वो इतना शानदार काम है। लेकिन तो कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।